नमस्कार, मैं वर्णिका का आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे सी किडनी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट कौन से सीरियल्स ले सकते हैं। सी किडनी के पेशेंट को अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही उनकी बीमारी को और बढ़ा सकती है। आइए अब जानते हैं कि सीरियल्स परचेज करते टाइम कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही सी किडनी के पेशेंट कौन से सीरियल्स का सेवन कर सकते हैं। फर्स्ट, सी किडनी के पेशेंट को हमेशा सीरियल्स लेते टाइम लेबल को चेक करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हाई फॉस्फरस और पोटेशियम का सेवन करना हार्मफुल होता है। सेकंड, सीरियल्स में मौजूद हाई फाइबर सी किडनी के पेशेंट के साथ साथ नॉर्मल पर्सन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फाइबर का सेवन करने से वजन कम करने में हेल्प मिलती है, जिससे कई बीमारियाँ ठीक हो जाती है। थर्ड, सीरियल्स का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल रहता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के लगातार बढ़ने से हार्ट प्रॉब्लम के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। फोर्थ, हॉट सीरियल्स का सेवन करना सी किडनी के पेशेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी कम होती है, साथ ही इसमें प्रोडक्ट जैसे क्रीम ऑफ व्हीट शामिल होते हैं। फिफ्थ, सीरियल्स में ज़्यादातर फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए डाइटिशियन की रिकमेंडेशन से ही सीरियल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आपको सीरियल्स वीक में कितने दिन और कितनी क्वांटिटी में खाने हैं, इन सब के बारे में डाइटिशियन गाइड करते हैं, क्योंकि हर सीरियल की मैन्युफैक्चरिंग में फॉस्फोरस और पोटेशियम की क्वांटिटी अलग अलग होती है। सिक्स्थ, एक कप सीरियल में 176 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है, वहीं वीट सीरियल में 95 मिलीग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। सी किडनी के पेशेंट कौन से स्टेज में हैं और उन्हें कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके हिसाब से ही डाइटिशियन उन्हें सीरियल्स की रिकमेंडेशन देते हैं, और उनकी डाइट में हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सीरियल्स एड ऑन किए जाते हैं। सेवन्थ, आप सोडियम की मात्रा का भी ध्यान रखें। किसी किसी सीरियल में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए कम सोडियम वाला सीरियल ही चुनें। तो आज हमने आपको बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी सी किडनी के पेशेंट को कौन से सीरियल्स का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, एक पेशेंट और जुड़े हैं हमारे साथ। आप जानेंगे क्या समस्या थी, कैसे इस समस्या को उन्होंने मात दी और कैसे इसको हराया समस्या को। जी, क्या नाम है पेशेंट का? शोएब। शोएब जी, कहाँ पे रहने वाले हो? असादपुरा, मुरादाबाद। मुरादाबाद जी। तो ये शोएब आपके कौन है? भाई हमारे। अच्छा, जब आए थे तो शोएब को क्या क्या दिक्कत आ रही थी? सर, दिक्कत थी इसको सूजन आ जाया करती थी और पेट में दर्द, ऐसा सूजन ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर दिक्कत थी जो यहाँ पर आने से, जो वो भी नहीं है। काफी दिक्कत होती थी, केराटिन बहुत बड़ा हुआ होता था। केराटिन पहले 16 आ रहा था, अब 10 है। उसके बाद में हमने रिपोर्ट करवाई तो 8 है। अब 8 है जी। 16 से 8 हो गया केराटिन। जी जी, 16 से 8 हो गया केराटिन। जी, डायलिसिस हुई थी। पहले कितनी बार हो रहा था? पहले 5 दिन में, हफ्ते में, अब हफ्ते में करवा रहे हैं, पहले 5 दिन में करवाया करते थे। पहले 5 दिन में करा रहे थे जब 16 क्रिएटिनिन था, और अब हफ्ते में करा रहे हो तब भी क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ, डायलिसिस भी रिड्यूस हुआ। जी जी। फिजिकली ठीक लग रहा है शरीर को? पहले से बेहतर। क्या क्या फर्क है? फर्क ये सूजन जो थोड़ा हल्का है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो पहले दिक्कत थी वो भी नहीं, वो भी नहीं पहले से। बस सूजन है, बस बाकी कोई दिक्कत, बाकी कोई जी। ठीक है, तो ये है शोएब अली के भाई, शोएब अली के भाई जान, जो आए हैं मुरादाबाद से इस समय। और इसका जो क्रिएटिनिन था वो 16 पहुंच गया था, और आज ये क्रिएटिनिन घट के 8 हो चुका है। 16 जब था, डायलिसिस सप्ताह में 2 बार करा रहा था, और अब जो डायलिसिस कितनी बार हो रहा है? एक बार। अब एक बार, एक बार सप्ताह में एक बार करा जी। पहले सप्ताह में 2 बार डायलिसिस था, सप्ताह में एक बार है। क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था और अब क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है जी। रिपोर्ट दिखाइए, पहले कितना था? 16 वाली रिपोर्ट लाए हो? 16 वाली रिपोर्ट नहीं।
अभी कौन सी रिपोर्ट लाए हो, देखो ये देखो पहले ये इसके अंदर सामने दिखाइए, क्रेटनाइन आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर इनका जो है वो बढ़ा हुआ है, और ये इन्होंने तीन तारीखों कराई है इन्होंने रिपोर्ट, और इसके अंदर जो उनका क्रेटनाइन है वो 10.09 है, 3 सितंबर की रिपोर्ट है, 10.09 रिपोर्ट क्रेटनाइन है, यूरिया 174 है, इससे पहले 16 था क्रेटनाइन जी, और अब ये आया है 10, और अब जो लेटेस्ट करा कर वो दिखाओ, और अब इन्होंने कराया है इनमें क्रेटनाइन 8.7 आ चुका है, और यूरिया जो है वो 91 हो चुका है, यूरिया 174 से 91 हो गया है, और पहले ये 16 के आसपास था इनका क्रेटनाइन, 16 से 8 भी हुआ क्रेटनाइन और यूरिया भी रिड्यूस हुआ, तो लग के फॉलो करा इसने शोएब ने, जैसे शोएब को इम्प्रूवमेंट आई है, और भी पेशेंट्स हैं जो इस तरह के हैं जो घबराए हुए हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, जैसे आपका डायलिसिस रिड्यूस हुआ है जी जी, तो क्या संदेश देना चाहोगे आप किडनी पेशेंट्स के लिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि आपसे जुड़े हैं बेहतर रहेंगे और अच्छा रहेंगे, डायलिसिस से बचे। तो ये शोएब है जिसका डायलिसिस सप्ताह में 2 बार हो रहा था, डायलिसिस भी इसका रिड्यूस हुआ और क्रेटनाइन भी 16 से 8 हुआ, मुरादाबाद जी, मुरादाबाद निवासी शोएब, आज डायलिसिस कम हो गया उसका, और उसको डायलिसिस से आने वाले समय में जरूर छुटकारा मिलेगा अगर वो लग के फॉलो करेगा। स्टॉप किडनी डायलिसिस।